राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से गुलदाउदी की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, जहां पे 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने किया। वहीं इस दौरान जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कल्पना कटेजा समेत कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 9 दिसंबर तक चलने वाली गुलदाउदी की प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जहां पर 2 दिन गुलदाउदी प्रदर्शनी का आखिरी दिन होगी पौधों की बिक्री, जहां पर इस बार गुलदाउदी के पौधे की कीमत लगभग 150 रुपए की रखी गई है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 38वीं गुलदाउदी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसमें अलग अलग प्रकार के फूलों का, अलग अलग कलर के फूल लोग की ये प्रदर्शनी है। इसमें ये संकेत देता है कि व्यक्ति को जिस तरह से फूल खिलते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति एक खुशहाल और खिलता हुआ नजर आना चाहिए। तो हम सभी को मिलकर, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा सभी को कि हम सब पेड़ पौधे और फूल लगाकर एक अच्छा वातावरण बनाएं और उसमें हम सब खुशहाली से रहें, हर चेहरे पे मुस्कान रहे, जिस तरह से फूलों में हमेशा दिखते हुए मुस्कान रहती है। सर, राइजिंग राजस्थान में जो आने वाले मेहमान हैं, क्या उनको भी ये गुलदावरी के पौधे की? देखिए, हमारे शहर में जयपुर शहर एक सुंदर शहर है और उसकी सजावट, जब हमारे विदेशी हमारे मेहमान आएंगे, उनके लिए हर तिराहे पे, हर जगह पे, हर चौराहे, हर रोड पे एक फूलों की जो जो खिलावट जो वहाँ दिख रही है, वो उनके लिए हमारी जो राजस्थान की जो कल्चर के हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे मेहमान हैं, उन मेहमानों के लिए हम जितने भी उनके लिए करें वो कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार और हमारे यशस्व भजन लाल जी, कि उनको यहाँ लगे कि राजस्थान एक अच्छा और सुंदर शहर है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए शीत ऋतु में जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ के विद्वानों ने, यहाँ के बॉटली से जुड़े हुए सारे लोगों ने जिस तरह मेहनत करके चीज़ों को उतारा है, वो देख करके अच्छा लगा है। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत काम होने की जरूरत है। जैसे राइजिंग राजस्थान का प्रभाव मेरे को राजस्थान विश्वविद्यालय में नजर नहीं आता, स्पष्ट रूप से है कि विश्वविद्यालय की खूबसूरती, विश्वविद्यालय का प्रभाव, विश्वविद्यालय के अंदर बाहर से आने वाले लोगों का भ्रमण, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किरोड़ी लाल जी हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनका सारा जीवन संघर्ष में गुजरा है, तो कई बार संघर्ष करने वाला व्यक्ति हर समय संघर्ष के लिए उतारू रहता है, लेकिन वो कभी कभी संघर्ष करे तो उसकी शोभा बढ़ती है, उनका नेतृत्व मजबूत होता है। सर, क्या मैसेज, वो सवाल सरकार पर सवाल? मैसेज ये है कि उनका कोई सवाल नहीं है, उनका एक ही सवाल है कि गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आदमी हमेशा ही संघर्ष करे और सोचे कि आजाद भारत में भी संघर्ष करूं। सर, आप मान रहे हैं उनका संघर्ष गलत है? नहीं, मैंने तो किरोड़ी लाल जी की बात की है कि उनका जो जीवन है, जैसे 4 दशक से मैंने देखा है उनको पत्रकारिता की दृष्टि से, कि वो हमेशा संघर्षशील रहे हैं। और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई आयोजन नहीं होता है, इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की गुलदाउदी एक तरह से एक पहचान है। और ये 2 दिन एग्जीबिशन में रहेगी, आज और कल, और उसके बाद परसों ये सेल में रहेगी, आम शहरी के लिए ये ओपन रहेगा। लेकिन इसमें लोगों में चार्म इतना होता है कि सुबह 9 बजे ओपन होती है तो करीब 12 बजे तक लगभग ये सारी गुलदाउदी खत्म हो जाती है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो इस बार भी, क्योंकि पिछले सालों से हमने इसको 100 रुपीज किया हुआ था, 100 रुपीज पर प्लांट पर पॉट, तो इस बार भी मेरे ख्याल में, आई एम नॉट कन्फर्म, पर 100 रुपये ही है, क्योंकि इस तरह का कोई नोट आया नहीं है। बढ़ाया क्या रेट, वो मेरे को रेट के बारे में कन्फर्म नहीं हूँ। इसकी इस बार 4 ग्रुप की हमारे यहाँ करीब 30-35 वेराइटीज डिस्प्ले में। क्या खासियत होती है इसकी पौधे के बारे में, किस तरीके से जो है तैयार किया जाता है? ये कंपाउंड फ्लावर है और सूर्यमुखी कुल का पौधा है। इसके पूरे जो मतलब करीब करीब इसको मिनिमम जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 3 से 3.25 महीने की जरूरत होती है,
और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा 30 डिग्री से डाउन आता है तो इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा, जहां सीतापुरा के जेईसीसी में होने वाले समिट का उद्घाटन 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत में जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जयपुर के चौराहों पर आकर्षक पेंटिंग, लाइटिंग और चित्रकारी के कार्य करवाए जा रहे हैं। जयपुर में की गई सजावट का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। जयपुर के सीतापुरा में जो है 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9 दिसंबर को करेंगे। वहीं इसकी लेकर तैयारियां राजधानी जयपुर में जो है पूरी कर ली गई है। खास बात है, जयपुर को खास तौर से सजाया गया है। जयपुर शहर के चौराहे हो या फिर प्रमुख मार्ग हो, सरकारी इमारतें, वहां पर जो है सौंदर्यीकरण किया गया है। तमाम तरह की सड़कें हैं, वहां पर जो है डेकोरेशन किया गया है और जयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि मेहमान आएंगे जो राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे। जो है अलग अलग देशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इस समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में मेहमान नवाजी की जाएगी। लोक कलाकारों को बुलाया गया है मेहमानों के स्वागत के लिए। वहीं जयपुर शहर में जगह जगह जो है इमारतों पर जो है कलर और पेंटिंग करवाई गई है। सही चौराहे पर सौंदर्यीकरण किया गया है, लाइटिंग की गई है, फूलों से सजावट की गई है, जगह जगह गमले लगाए गए हैं। शहर के प्रमुख मार्ग जो जेलन मार्ग हो या फिर विधानसभा हो, स्टैच्यू सर्कल हो, अंबेडकर भवन विधानसभा की जाने वाली सड़क हो, सभी मार्गों पर जो है सौंदर्यीकरण किया गया है, लाइटिंग की सजावट की गई है, ताकि मेहमान जो यहां पर आएंगे उनके लिए खास यहां पर तैयारियां की गई। अभी हम विधानसभा रोड पर खड़े हैं, वो दिखाना चाहेंगे। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, नरेंद्र मोदी के पोस्टर यहां पर आपको दिखेंगे। साथ ही यहां पर भजन लाल के पोस्टर, मुख्यमंत्री भजन लाल के जो है पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। इमारतों को सजाया गया है, सरकारी इमारतें हो चाहे यहां पर आप नजर डालेंगे, जिस तरफ सरकारी इमारत है उनको यहां पर रोशनी से सजाया गया है और सरकारी बिल्डिंगों को खास तौर से यहां पर सजाया गया है। इसके अलावा प्रमुख चौराहे पर जो लाइटिंग की गई है और अलग अलग कलर की थीम पर जो है सजावट यहां पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे सामने विधानसभा का नजारा है, विधानसभा की जो लाइटिंग है वो यहां पर की गई है। 9 तारीख से ये समिट शुरू होगी, 3 दिन का ये समिट का आयोजन राजधानी जयपुर में होने जा रहा है। खास बात ये है कि समिट के लिए जयपुर शहर को पूरी तरीके से सजाया गया है। फुलवारी के पेड़ पौधे और गमले यहां पर जगह जगह जो है सड़क पर डिवाइडर पर लगाए गए, रंग रोशन रोगन किया गया है। प्रमुख चौराहे और पुलियों पर जो है सजावट की गई है और इस समिट के अंदर जो है अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहां पर आएंगे और राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से लगातार राइजिंग राजस्थान को लेकर अलग अलग समिट जो आयोजन की गई थी, रोड शो किए गए थे, अलग अलग देशों में जाकर, चाहे जर्मनी की बात हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर सिंगापुर, इसके अलावा जो है यूनाइटेड किंगडम समेत तमाम अलग अलग देश, जापान, कोरिया, उनके इन्वेस्टर यहां पर आएंगे। राज्य सरकार की तरफ से करीब 20 लाख करोड़ के जो है एमओयू जो है वो हो चुके हैं, जो इस राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल समिट है जिसके अंदर यहाँ पर इस समिट का जो आयोजन होना है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेहमान जो आएंगे उनके लिए जो लग्जरी होटल है उसमें रूम बुक कर लिए गए हैं। सयाती मेहमानों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा शाम को। वहीं इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करने के लिए 9 दिसंबर को राजधानी जयपुर में आएंगे और इस समिट का उद्घाटन करेंगे।